हेलो एवरीवन, मैं अभी 4 दिनों के लिए न्यू ईयर के टाइम गोवा जाके आई हूँ। वहाँ पे मैंने जो जो कपड़े पहने उसी का लुक बुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी लड़कियाँ गोवा जाने के बारे में सोचती है तो यही सोचती है कि हमें वहाँ पर जाने के बाद शॉर्ट्स कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर सब लोग यही पहनते हैं। तो कभी कभी वो कंफर्टेबल नहीं होती है, फिर भी वो पहनती है। लेकिन उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैंने एक भी शॉर्ट्स या फिर मिनी स्कर्ट वगैरह कुछ भी नहीं पहना है। जो भी सारे कपड़े हैं वो बिलो नी लेंथ है। और मेरा भी यही मानना है कि फैशनेबल और स्टाइलिश लगने के लिए हमें वहाँ के प्लेस के हिसाब से और वेदर के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, फिर ज़रूरी नहीं कि हम शॉर्ट्स ही कपड़े पहने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 से स्टार्ट करते हैं। हम सुबह घर से जल्दी निकले थे और ट्रैवलिंग हमें लगभग 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। तो इसमें मैंने पहनी एक ब्राउन कलर की कॉटन ट्राउज़र और उसके साथ मैंने ये येलो कलर का फ्लोरल प्रिंट वाला टॉप, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और दोनों मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे, जिससे कि मैं 4-5 घंटे आराम से ट्रैवल कर सकती हूँ। नेक्स्ट है ये फ्लोरल प्रिंट वाला वाइट कलर का गाउन। तो हम गोवा पहुँच गए थे। गोवा पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर हो गई थी और हम लंच करने के बाद हम बीच पर जाने वाले थे। तो मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप भी होगी, इसीलिए मैंने ये आउटफिट चूज़ किया था। वो है वाइट कलर का गाउन जिस पे फ्लोरल प्रिंट है और ये मैंने लिया है मिंत्रा से। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और मुझे बहुत पसंद आया। और हमें भी बीच पे ऐसे ही कपड़े लेने चाहिए जो जल्दी भीगने के बाद भी जल्दी सूख जाते हैं। ये भीगने के बाद भी बहुत जल्दी सूख गया था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हैं। डे 2, सेकेंड डे हम जाने वाले थे चर्चेस और साउथ गोवा। और हम जानते हैं कि साउथ गोवा में ज़्यादा चर्चेस और टेंपल्स है, तो मैं ऐसे कपड़े चूज़ करना चाहती थी कि जो शोल्डर और नी कवर करे। तो मैंने चूज़ किया है ये ढीला सा प्रिंटेड प्लाजो और ऊपर पिंक कलर का टॉप। वहाँ पे इतनी धूप होती है कि हमें एकदम खुले खुले कपड़े पहनने का मन होता है। ये प्लाजो लिया है मैंने मिंत्रा से, अगर आपको पसंद आया तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि 4 दिन में मैंने एक बार भी जीन्स नहीं पहनी थी। इनफैक्ट मैं जीन्स लेके ही नहीं गई थी, क्योंकि गोवा में या फिर कहीं भी जहाँ पे हॉट वेदर है वहाँ पे हम जीन्स या फिर कोई भी और टाइट कपड़े हैं ना वो नहीं पहन सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होते हैं। इसीलिए हमें एरी और ऐसे कॉटन या फिर ऐसे खुले खुले या फिर ढीले कपड़े पहनने चाहिए जो हम उसमें घूम सकते हैं और ज़्यादा परेशानी ना हो। डे 3, तो थर्ड डे गए थे हम अगोड़ा फोर्ट। आप तो जानते ही होंगे कि अगोड़ा फोर्ट पे बहुत सारी फिल्मों का शूटिंग हुआ है। फोर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन तो गोवा में मुझे सबसे ज़्यादा धूप और गर्मी कहाँ फील हुई तो वो है अगोड़ा फोर्ट। और मैंने इसके बारे में सुना भी था, इसलिए मैंने ऐसा आउटफिट चूज़ किया जिससे कि मुझे गर्मी थोड़ी कम लगे और धूप से मैं ज़्यादा टैन भी ना हो। तो मैंने वाइट कलर का क्रॉप टॉप चूज़ किया है और इसके नीचे मैंने कॉटन का बरगंडी कलर का स्कर्ट लिया है और उस पे जो क्यूट सी हैट पहनी है वो मैंने वहीं पे गोवा में ख़रीदी थी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। उस दिन 31st था और उसी दिन रात को हम पार्टी के लिए जा रहे थे। तो मैंने ये नेक्स्ट आउटफिट चूज़ किया था जो कि मैंने मिंत्रा से लिया है। ब्लैक कलर का वन पीस, ऊपर टिकली का वर्क किया है और नीचे प्लेन है और ये बॉडीकॉन टाइप है और बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लग रहा था। अगर आप 31st के टाइम नहीं भी गए तो फिर भी आप गोवा में जाने के बाद क्लब ज़रूर जाएंगे। तो वहाँ पे भी LPK, टीटोज बहुत सारे क्लब है या फिर बीच पार्टीज भी होती है। तो आप एक ऐसा वन पीस ज़रूर लेके जाइए जो नाइट में पार्टी के टाइम पहन सकते हैं। तो मेरा लास्ट आउटफिट है ये ब्लू कलर की प्लाजो और उस पर फ्लोरल ब्लू कलर का है टॉप। ये मैंने चेकआउट के टाइम पहना था जिस दिन हम रिटर्न घर जाने वाले थे। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और हमें जाते टाइम भी उतना ही टाइम लगने वाला था, इसलिए मैंने ऐसा ही आउटफिट चूज़ किया था जिसमें मैं 4-5 घंटे ट्रैवल कर सकती हूँ। और जाते जाते हम मंदिर भी जाने वाले थे, गणपति जी का मंदिर है रेड्डी गणपति, आपने सुना होगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा फुल कपड़ों का ही आउटफिट चूज़ किया था। ब्राइट कलर था इसीलिए इस पर भी मेरे पिक्चर्स बहुत अच्छे आए। तो ये थे मेरे 6 आउटफिट्स जो कि मैंने गोवा में पहने थे। और अगर आप शाही हैं तो आप बिना हिचकिचाते हुए ये सारे ड्रेस पहन सकती है और बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और स्टाइलिश और फैशनेबल लग सकती है।
अगर आपको पसंद आए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप चेक कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।